एक बर्तन में पानी उबाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इस पानी में दो टमाटर, चार लाल मिर्च और हरे मटर को डाल रही हूँ। हरे मटर इसे मैंने छील लिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी मीठे नहीं है। इसे मीठा और अच्छा रंग देने के लिए मैंने शक्कर डाला है और नमक डाला है थोड़ा स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो इन्हें हम अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा काजू डाल देते हैं। मटर उबल कर पक चुके हैं, टमाटर का छिलका निकल गया है, मिर्ची भी हमारा पक चुका है और काजू भी पक चुके हैं। तो मैं काजू, मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, टमाटर, काजू और मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना, तो उसे डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हमने मटर में पहले भी नमक डाला था, उसके हिसाब से ही डालेंगे। ये मेरा घर का स्पेशल मसाला है जिसमें मैंने खड़ी धनिया, जीरा, सौंफ, दालचीनी, काली इलायची, लवंग और बहुत सारे मसाले डालकर मैंने इस तरह से मसाला बनाया। तो इसमें हम डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, जैसे कि आपका किचन किंग का मसाला देता है। कसूरी मेथी डाल देते हैं इस तरह से क्रश करते हुए। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। ग्रेवी हमारी उबलने लगी है तो इसमें मटर जो हमने पकाया था ना वो डाल देते हैं। पनीर को मैंने क्रश कर लिया है तो अंदाज से हम पनीर भी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है।